हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरा चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद खर्ती। आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे बार के टूल्स के। ये मेरे इस वीडियो की कैटेगरी है टूल ऑफ ट्रेड्स के नाम से। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बारटेंडर्स के टूल्स के बारे में कि बार में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। लेकिन आज स्पेशली इस वीडियो में मैं एक ऐसे टूल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं और उसके बारे में आपको बताऊंगा भी कि ये कितना बारटेंडर के लिए यूज़फुल है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में मैं इसके हिस्ट्री भी बताऊंगा कि ये कब बना था, किसने बनाया था और इसका सही यूज़ कैसे होता है। तो गाइस, इस टूल्स का नाम है बार प्लेट। सही समझे, बार प्लेट। ये बारटेंडर का फ्रेंडली टूल्स होता है जो कि एक बारटेंडर अपने पास कैरी करके रखता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं इसके बारे में और इसके यूज़ के बारे में। इनफॉर्मल में बार ब्लेड को नॉर्मली बार ब्लेड ही पुकारा जाता है। हर कोई इसको बार प्लेट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं जैसे की ओपनर, मांबा, पॉपर और स्पीड ओपनर। ये इसके और भी नाम हैं। ये 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 16 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। ये ईज टू यूज़ है और इसको आप अपने पॉकेट में ईजिली रख सकते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ये वाला पार्ट्स और दूसरा ये वाला पार्ट्स। ये पार्ट्स होता है ओपनर पार्ट्स यानी की ओपनर और दूसरा होता है रिंग होल। अब लोग इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते कि ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। मोस्टली लोग इसको पॉकेट से ऐसे निकाल के इसका यूज़ करते हैं। इसके पीछे एक लॉजिक था कि पहले टाइम पे जब बियर को टॉल बॉक्स में चिलिंग के लिए रखते थे और जो बोटल्स होती थी वो हाफ आइस क्यूब्स के अंदर डिप होती थी, उसको निकालने के लिए इस होल का यूज़ करते थे। आई शो यू। सपोज़ ये बोटल है, इसको इस पोर्ट को इस तरीके से टॉल बॉक्स से निकालते थे जिसकी वजह से उनको ईजी होता था बियर सर्व करने के लिए। और दूसरे वे में फेयरिंग बारटेंडर जो कि इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वो इसको स्पिनिंग रिंग के लिए यूज़ करते हैं जो कि आसानी से इस फिंगर पे होल्ड करके वो फ्लेयरिंग के मूव्स दिखा सकते थे। लाइक दिस, आई एम नॉट अ फ्लेयर बारटेंडर बट आई विल शो यू सम ट्रिक लाइक दिस। तो ये थी बार ब्लेड के बारे में डायमेट्रिक नॉलेज। बार ब्लेड का यूज सिर्फ इस टाइप्स की कैप्स को ओपन करने के लिए यूज में लाते हैं। बेसिकली और कैप्स होती है जो कि वाइन कॉर्क होती है, उसके लिए अलग ही कीज होती हैं। दूसरी जो थंब रोल होती है जिसमें चूड़ियां होती है, वो आप अपने थंब से भी ओपन कर सकते हैं। बट ये क्राउन कैप जो कि हार्ड होती है ओपन करने में, मोस्टली लोग अपने दांतों का यूज़ करते हैं या दूसरे तरीक़ों से यूज़ करते हैं, इस वजह से या तो बोतल की नेक टूट जाती है या लोगों के दांत भी टूट सकते थे। इसी वजह से ही इस बार ब्लेड का आविष्कार हुआ। इससे पहले नॉर्मल छोटे मोटे बार ओपनर्स यूज़ में लाते थे इस क्राउन कैप को ओपन करने के लिए। क्राउन कैप, इसको बेसिकली क्राउन कैप बोला जाता है क्योंकि ये शेप्स अगर उल्टा करके देखेंगे तो इसका जो कैप है वो क्राउन यानी राजा के ताज की तरह इसका शेप्स होता है, इसलिए इसका नाम क्राउन कैप रखा गया था। क्राउन कैप सबसे पहले सन 1892 में मिस्टर विलियम पेंटर ने इसका आविष्कार किया था, जो कि ये बहुत ही अच्छा है खासकर उन ड्रिंक्स के लिए जो रेडी टू यूज़ और एक बारी में फिनिश करने के लिए हों और जिसमें CO2 की मात्रा होती थी, उसको प्रिजर्व और सेव करने के लिए ये कैप यूज़ में लाया था, जो आज के टाइम में भी बहुत ही कारगर साबित होती है। 1892 में जब ये क्राउन
कैप का इन्वेंशन हुआ था, तो इसके लिए भी बहुत से कीज़ का भी आविष्कार हुआ था, जो कि बहुत ही रेयर है और बहुत ही अलग अलग तरीके डिज़ाइंस यूज़ में लाए गए थे, स्पेशली बारटेंडर्स के लिए, सर्वर्स के लिए और पर्सनल जो घर में बैठ के ये बियर खोलना चाहते हैं उनके लिए भी। बारबेट का आविष्कार सन 1950 में हुआ था, जो कि बहुत टाइम बाद हुआ। जैसे कि हमारा बारटेंडर कल्चर बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल पे पहुंचा और फेयर और बहुत सी चीज़ों ने पदार्पण किया है बारटेंडिंग के पीछे, तो इसी वजह से इस बारबेट का आविष्कार हुआ। बारबेट ये आसानी से आपके पॉकेट में इजीली आ जाता है, फ्लैट होने की वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पॉकेट में एडजस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको फील नहीं होता कि आपके पास कोई हैवी चीज़ या कोई मोटी चीज़ आपके पॉकेट में है। लंबा होने की वजह से इसका जो हाथ जो थंब होल है ऊपर की तरफ देता है, जिसकी वजह से सर्वर या बारटेंडर इसको ईजिली ही अप्रोच करके अपने पॉकेट से निकाल कर जितनी जल्दी हो सके वो बियर पॉपअप कर सकता है। नॉर्मल वे में ये बॉटल है जो कि टॉनिक वाटर का है, ये क्राउन कैप लगी है इसमें, मोस्टली यूजली इसको इस तरीके से ओपन करते हैं, इसको इस होल में फंसा के इस तरह से ओपन में लाते हैं। दूसरी तरीके में जो बारटेंडर होता है उसका अलग ही स्टाइल होता है, वो अट्रैक्ट करने के लिए या अपने सर्विस को थोड़ा और बेहतरीन इनोवेटिव या फेयरिंग करने के लिए इसको दूसरे वे में यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, इसको उल्टा पकड़ा, काइंड ऑफ लाइक दिस। ऐसे ही बहुत दूसरी तरीके से मूव्स हैं जिसकी वजह से फ्लेयर बारटेंडर अपने सर्विस को और ज़्यादा अट्रैक्ट बना सकता है। जो बारबेट का पीछे का हिस्सा है इसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं, जैसा कि ये बोटल है, इस कॉल टू स्पीड पोरर, जो कि पोरिंग के टाइम पे इस टूल्स का यूज़ में लाया जाता है। कभी कभी ये बहुत टाइट हो जाते हैं या फिर जल्दीबाजी के कारण से ओपन करने में बहुत ही मुश्किलें होती हैं, या आपका हाथ वेट होता है जिसकी वजह से ये आप स्लिपरी हो जाता है और ओपन होने में दिक्कत करता है। तो आपको रिफिलिंग करने के लिए या इस बोतल के स्पीड पोरर को दूसरे का ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस पीछे वाले होल का यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक दिस, एंड इसको रबड़ का जो नीचे का कॉर्नर है इसे फंसा के इसको हल्का सा टिल्ट करके इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो ये पीछे जो थंब होल या स्पिनिंग रिंग है इसका भी यूज़ आप इस तरीके से अपने बार में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार ब्लेड की। वैसे तो बहुत तरह के टाइप्स और इसके बहुत तरह के एट्रैक्टिव और इनोवेटिव डिज़ाइन होती हैं जो मल्टीपर्पज यूज़ में भी लाते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि जो तीन बेसिक्स बार ब्लेड्स होती हैं जो कि बार में मोस्टली यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हमारा बार ब्लेड है दैट इज़ कॉल इज बेसिक बार ब्लेड, यानी कि इस तरीके का जो मैंने आपको बताया था, दो पार्ट्स होते हैं, एक की ओपनर और दूसरा थंब होल यानी स्पिनिंग रिंग। ये सिंपल होता है और फ्लैट होता है। दूसरा है हैंग जाइव बार ब्लेड, जो कि कुछ इस तरीके से होता है और इसमें और भी तरीके के डिज़ाइन होते हैं। इसमें पीछे की तरफ कोई थंबनिंग नहीं होता, सिर्फ की ओपनर होता है, इसको आप सिर्फ बियर पॉपअप कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा लुक वाइज फ्लैट बारबेट यानी बेसिक बारटेंडर से अलग होता है डिज़ाइनिंग में, और शायद कैरी करने में भी और ज़्यादा इजी हो सकता है। तीसरा है हमारा विंचर्स बारबेट मोस्टली बहुत कम यूज़ में लाया जाता है। ये सेम इसी तरीके का होता है, बट इसके आगे दो हुक्स होते हैं जिससे आप कैन भी ओपन कर सकते हैं। सपोज आपके पास प्रिजर्व फ्रूट्स के कैंस होते हैं, लीची, पीचेस, एप्पल, पाइनएप्पल, तो उसके कैन को ओपन करने के लिए भी उसमें दो हुक्स होते हैं, और साथ में बीच के साइड में स्टैनर भी होता है, तो आप इसको हॉर्थन स्टैनर के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। बारबेट और भी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि है फ्लेमिंग लैम्बोर्गिनी, जो कि कॉकटेल्स होती हैं जो उसमें पाइलिंग करते हैं गिलास पे, और
आग लगाकर उस कॉकटेल को सर्व करते हैं। ये बारमेड उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको नीचे रखकर जो बेस का जो ग्लास वेयर होता है इसको ऐसे फ्लैट वे में रखकर इसके ऊपर ग्लास पाइलिंग करके आप फ्लेमिंग कॉकटेल्स या फ्लेमिंग टावर्स कॉकटेल भी सर्व कर सकते हैं। बारमेड का बहुत सारा यूज़ अमेरिकन बार्स में ही किया जाता है, क्योंकि अमेरिकन स्टाइल्स बार और बारटेंडर्स कुछ फंकी लुक्स के होते हैं और ज़्यादा फ्लेयरिंग को वैल्यू देते हैं, तो वो अपने बारमेड को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए या अपने गेटअप को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए भी बारमेड का यूज़ करते हैं। बारमेड के पीछे ये थंब रिंग है, इसको यूज़ में लाते हैं और इससे फ्लेयरिंग भी करते हैं, और साथ साथ में अगर इसमें कैरबियर रील लगाकर भी इसको पॉकेट में रखकर अपने गेटअप को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। लाइक दिस मैंने भी अमेरिकन बारटेंडर्स को देख के इनोवेट किया था, इस काइंड ऑफ लाइक दिस। ये आपका रील्स या चेन्स लगा सकते हैं, इसको ये पार्ट्स निकल जाता है, इसको आप अपने बेल्ट लूप में या कहीं दूसरी जगह हैंग कर सकते हैं, और पीछे इसको ये आपने कहीं कोई भी साइड पॉकेट में रख सकते हैं, और ताकि आपका बारमेड भी आपसे दूर ना जाए या आप किसी और दूसरे को बोरो ना कर सकें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बारमेड के बारे में बताया कि बारमेड बेसिकली होता क्या है और दूसरे किस नामों से जाना जाता है, कब इन्वेंट हुआ और इसका सही पर्पस यूज़ करने का क्या है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है, और आप भी अपने बार में या अपने दूसरे लोगों को भी इसका सही यूज़ करके दिखा सकें।